हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछली क्लास में गेहूं के बारे में पढ़ रहे थे, वीट के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी, भाई साइंटिफिक नाम क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उसके बाद उसमें प्रोटीन स्टेटस क्या है, इसके बाद उसका किस प्रकार से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं उसको, किस प्रकार के क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट उसको चाहिए, इसके बाद अपन सोइंग जो इसकी करते हैं, सीड रेट कितनी लेनी है, सीड की डेप्थ आपको कितनी रखनी है, इसके बाद सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस केस में माना जाता है, वो आता है इरिगेशन वाला, कि भाई गेहूं के अंदर जो है, वीट के अंदर जो है, आपको इरिगेशन कब कब देनी चाहिए। तो इसके केस में जो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई इरिगेशन जो देते हैं वो नॉर्मली क्रिटिकल स्टेजेस या क्रांतिक अवस्थाओं पर जो है गेहूं में इरिगेशन दी जाती है। तो इसकी एक अपनी ट्रिक है CTJFMD, यानी ये टोटल जो डिजिट आ रही है वो आपकी 6 आ रही है। तो इट मीन्स गेहूं के अंदर जो क्रिटिकल स्टेजेस होती है वह 6 होती है। तो CTJ आपको याद रखनी है, FMD जैसा आप जानते हो फूट एंड माउथ डिजीज होती है पशुओं के अंदर जो वायरस के कारण से होती है, तो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये 6 क्रांतिक अवस्थाएं गेहूं में मानी गई है। यहाँ पे पहले जो C आ रहा है इसका अर्थ होता है CRI स्टेज। CRI की फुल फॉर्म होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, अर्थात मुख्य जड़ की जो फुटान होती है इसमें शुरू होती है, और यह होती है बुवाई के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद। लेकिन कई बार जो है एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई CRI अवस्था कितने दिनों पे आती है, तो बुवाई के 21 दिन पर, यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर रेंज में पूछी जाएगी तो 20 से 25 दिन आएगा, एग्जैक्ट पूछी जाएगी तो इस केस में 21 दिन आएगा, जो आपको पता होना चाहिए। देन आ रहा है टी फॉर द टिलरिंग, अर्थात जब गेहूं में कल्ले जब निकल रहे होते हैं तो ये इसकी दूसरी क्रांतिक अवस्था मानी गई है, जो बुवाई के 40 से 45 दिन पर आती है, डेज आफ्टर सोइंग पर, जो आपको पता होना चाहिए। देन ये आ रहा है जे फॉर द जॉइंटिंग, और जॉइंटिंग इज आल्सो नोन एज द बूटिंग, अर्थात गांठ बनते समय, और जो आती है 60 से 65 दिन पर, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आ रहा है एफ फॉर द फ्लावरिंग, अर्थात पुष्पन या पुष्प आते समय, जो बुवाई के 80 से 85 दिन पर आती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आ रहा है MM फॉर मिल्किंग, अर्थात दूधिया अवस्था, जो 100 से 105 दिन पर आती है। देन सबसे लास्ट में डी यानी कि डफ स्टेज, अर्थात दाना पकते समय, जो बुवाई से 115 से 120 दिन बाद आती है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसको अपन इजीली कैसे याद रख सकते हैं सारे दिन, तो इसको आपको यहां पे इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं अपन, कि अपन कह रहे हैं कि गेहूं में जो क्रिटिकल स्टेजेस होती है वह 6 होती है, CTJFMD। अब CTJFMD की फुल फॉर्म तो आपने देख ली, लेकिन यहां पे शुरू की जो 5 अवस्थाएं हैं, अर्थात CTJ और FM, इनमें 20 दिन का जो होता है गैप होता है, 20 दिन के अंतराल पर ये निरंतर अवस्थाएं आती है, जबकि लास्ट वाला जो होता है उसमें 15 दिन का अंतराल होता है। जैसे अपन यहां बात करें तो सी आ रहा है आपका 20 से 25 दिन पर, तो इसमें वापस अपन 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40 से 45, फिर वापस 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 से 65, फिर वापस 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 80 से 85, फिर वापस 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 से 105, और फिर अगर अपन 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 115 से 120 दिन। तो इस प्रकार से इन दिनों को अपन याद रख सकते हैं कि भाई गेहूं के अंदर जो क्रिटिकल स्टेजेस होती है सिंचाई के लिए वो 6 अवस्थाएं हैं, और उसकी ट्रिक जो है आपकी CTJFMD है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि भाई अगर किसान के पास ये 6 इरिगेशन नहीं है, अगर किसान के पास अगर एक सिंगल इरिगेशन है, तो उसको CRI अवस्था अर्थात 20 से 25 दिन या 21 दिन पर जो है उसमें सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन जब अगर प्रश्न पूछ ले कि उसके पास 2 इरिगेशन उपलब्ध है, तो उस केस में वो कब देगा इरिगेशन, तो पहली तो उसको CRI पर देनी चाहिए, दूसरी टी को आप क्रॉस कर दो, दूसरी उसको देनी चाहिए जॉइंटिंग पर। तो अर्थात 2 इरिगेशन उपलब्ध हो तो पहली CRI और दूसरी उसकी जॉइंटिंग। लेकिन आपको पता हो तो एग्जाम में जॉइंटिंग ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, इस केस में आपको मिलेगा प्री फ्लावरिंग अवस्था, इसकी दूसरी क्रिटिकल स्टेज मानी गई है। अब प्री फ्लावरिंग, क्योंकि जॉइंटिंग के बाद फ्लावरिंग ही आ रही है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि यहां पे वो जॉइंटिंग नहीं देके लिख देता है प्री फ्लावरिंग, अर्थात पुष्पन से पहले, यानी इंडिकेट वो जॉइंटिंग को ही कर रहा होता है। तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है प्री फ्लावरिंग शब्द आ जाए तो।
अब बात आती है एक भाई अगर तीन इरिगेशन हो, थ्री इरिगेशन अवेलेबल हो तब कब देनी चाहिए, तो पहली तो सीआरआई पे देगा, दूसरी जॉइंटिंग या प्री फ्लोरिंग पे देगा और तीसरी उसको देनी चाहिए मिल्किंग स्टेज पर। तो तीन सिंचाई उपलब्ध होने के केस में जो ये सीआरआई जॉइंटिंग एंड मिल्किंग पर इरिगेशन देनी चाहिए। ये हो गया गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में, भाई एक हो तो सीआरआई पर देंगे, दो हो तो सीआरआई और लेट जॉइंटिंग और प्री फ्लोरिंग, तीन हो तो सीआरआई लेट जॉइंटिंग और प्री फ्लोरिंग एंड मिल्किंग पर, जो मैं पिछली स्लाइड में आपको समझा चुका हूँ। अब बात आती है कि गेहूं के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी मानी गई है, तो यह मानी गई है 450 से 650 mm जो होती है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं, उर्वरक की बात करते हैं। तो किसी भी क्रॉप में तीन प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, जिसमें पहला आता है नाइट्रोजन, दूसरा आता है फॉस्फोरस और तीसरा आता है आपका पोटास। गेहूं के केस में, सिंचित केस में नाइट्रोजन 120, फॉस्फोरस 60 और पोटास 40 किलोग्राम, असिंचित के केस में जो है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास दिया जाता है और जिंक की कमी होने पर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक दिया जाता है। अब इसको याद रखने का सीधा सा तरीका बताऊं, आपको याद रखना है गेहूं का सिंचित का याद रखना है और वो रखना है 120, 60 और 40। और आपको बता दूं 120, 60, 40 जो है अपन काम में लेते हैं, कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, सिंचित गेहूँ के लिए 120, 60, 40 ही आएगा। इसके बाद आपका संकर मक्का है वहाँ पे यही आएगा, इसके बाद चावल है उसमें भी यही आएगा, उसके बाद गन्ना है, यानी कि इस इन केस ऑफ द इरिगेटेड वीट, इरिगेटेड वीट का हो गया, वीट का हो गया, देन आपका हाइब्रिड मेज का हो गया, देन आपका राइस हो गया, देन आपका सुगर केन हो गया। इन केसेस में आपका एनपीके 120, 60, 40 इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दें और इन इन क्रॉप के अंदर आपको यही ध्यान में रखना है। और आपको पता हो तो अगर अनइंडिकेटेड का केस वैसे एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछा लिया जाए आपसे तो वो लगभग जो है इरिगेटेड का हाफ होता है, लगभग उसका आधा माना गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे आता है इसमें भाई फर्टिलाइजर देने का एप्लीकेशन मेथड जो है वो किस प्रकार से रहेगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हाफ नाइट्रोजन एंड फुल फॉस्फोरस और पोटास जो है सोइंग के टाइम देते हैं, जिसे बेसल डोज कहते हैं, यानी सोइंग के समय जो है हाफ नाइट्रोजन और फुल फॉस्फोरस और पोटास दी जाती है, उसे अपन बेसल डोज के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। रिमेनिंग जो नाइट्रोजन जो है उसे टुकड़ों में दी जाती है, यानी उसके दो भाग डिवाइड कर देते हैं, पहला एट द फर्स्ट इरिगेशन यानी 20 to 25 days आफ्टर द सोइंग एंड सेकंड इज द एट द सेकंड इरिगेशन इट मींस द 40 to 45 days पर जो है इरिगेशन से पहले जो है आपको छिड़काव करना चाहिए। तो नॉर्मली ज़्यादातर फसलों के अंदर जो है फर्टिलाइजर देने का तरीका यही है कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय ही देते हैं, जिसे बेसल डोज के नाम से जानते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, और आगे आता है इस केस में कि कौन कौन सी गेहूँ की किस्में हैं, वेराइटियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आता है एकल जीन बोनी, अतः सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटियाँ गेहूँ की कौन कौन सी है। तो इसकी एक ट्रिक है, दैट इज द सिंगल सासू रोगी ऊपर सू लड़ी, इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। तो सिंगल, सिंगल यानी एकल जीनी, यानी सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी, सा साफ और सा साफ और सोनालिका, सा किसके लिए आया है यहां, सोनालिका के लिए आया है, देन सू, सू आया है यहां पे सुजाता के लिए, देन रो आया है यहां पे रोहिणी के लिए, देन घी आया है यहां पे गिरिजा के लिए, देन यू उप, उप यानी ये आया है यूपी 262 के लिए, देन सू किसी के लिए नहीं है, ल ल फॉर पूसा लर्मा, पूसा लर्मा के लिए आया है। तो इस प्रकार से एकल जीन बोनी किस्मों को याद अपन इस प्रकार से रख सकते हैं, सिंगल सासू रोगी ऊपर सुलड़ी, यानी सोनालिका, सुजाता, रोहिणी, गिरजा, यूपी, यूपुसा लर्मा, पूसा लर्मा जो म्यूटेंट है लर्मा रोजा का, और सी 306 एक अलग वेराइटी जो टॉलेस्ट मानी गई है ड्वार्फ के अंदर और बेस्ट फॉर द रेनफेड। अब यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट वेराइटी कौन सी जो आपको याद होनी चाहिए, तो एक तो सोनालिका का नाम आपको ध्यान होना चाहिए जो सिंगल जिन ड्वार्फ है, इसके बाद सी 306 आपको ध्यान होनी चाहिए जो रेनफेड के लिए बेस्ट मानी गई है। ये दो वेराइटियाँ तो इस केस में आपको सिंगल जिन ड्वार्फ के अंदर पता होनी ही चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई द्विजीनी बोनी किस्म कौन सी है, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटियाँ गेहूं की कौन सी मानी गई है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो इसकी ट्रिक है आपकी प्रताप, जनक, अर्जुन,
का सोना लाया कल्याण यूपी 216 से। तो यहाँ पे प्रताप भी एक वैरायटी है, जनक भी एक वैरायटी, अर्जुन भी एक वैरायटी है। सो ये आया है फॉर सोनारो के लिए। किसके लिए आया है? सोनारो के लिए आया है। और कल्याण आया है कल्याण सोना के लिए। किसके लिए आया है? कल्याण सोना के लिए। और यूपी 216 एक वैरायटी का नाम है। तो यहाँ पे देखिए प्रताप का दूसरा नाम SD1981 है, जबकि जनक का दूसरा नाम SD2329 है, और आपका अर्जुन का दूसरा नाम SD2009 है, जो आपकी डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी आए। और सोनारो की बात अपन कर चुके हैं, सरबती सोनारो जो एक म्यूटेंट वेराइटी है जो सोनारो से ही प्राप्त की गई है। देन कल्याण सोना जो तीनों प्रकार की रोलियों के प्रति, रस्ट के प्रति काफी ज्यादा सेंसिटिव मानी गई है। देन लास्ट वन इज द छोटी लर्मा जो तीनों रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद यहां पे रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वैरायटी है वो है कल्याण सोना। कल्याण सोना किस प्रकार की वैरायटी एग्जाम में पूछी जाती है? तो दैट इज द डबल जिन ड्वार्फ वैरायटी। तीनों रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस कौन सी? छोटी लर्मा। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये होगी डबल जिन ड्वार्फ वैरायटियों की बात। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे कि भाई ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटियाँ कौन कौन सी है, थ्री जीनी बोर्निक इसमें कौन कौन सी। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक है हीरा मोती ज्वार ज्योति सब संगम है, ऐसा लाल बहादुर ने यूपी 301 में कहा था। हीरा यहाँ पे एक वैरायटी है, मोती एक वैरायटी है, ज्वार एक वैरायटी है, ज्योति एक वैरायटी है, लाल बहादुर एक वैरायटी है, और यूपी 301 जो जो मैंने अंडरलाइन की है ये सारी ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटियाँ हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुवाई हेतु टाइमली सोइंग के लिए इरिगेटेड कंडीशन में राज 3077, राज 3777 और सोनालिका जो है इरिगेटेड कंडीशन में टाइमली सोइंग के लिए वेराइटियां मानी गई है। फॉर द लेट सोन के लिए लॉक वन आपको ध्यान होना चाहिए, जो लेट सोइंग के लिए भी बेस्ट मानी गई है। इसके अलावा राज 3765 और सोनालिका भी इसके अंदर आती है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं बारानी खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बारानी खेती सुजाता और C306 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सुजाता और C306 जहां पे बारिश की कमी हो, पानी की कमी हो, वहां पे इनकी बुआई कर सकते हैं। देन लवन सहनशील में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आ रही है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से K65, K का फुल फॉर्म होता है खारचिया पैंसठ। खारचिया यानी जो खार को सहन कर सके, काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेहूं की लवन सहनशील वैरायटी कौन सी, खारचिया 65 और राज 3777 है, लेकिन खारचिया आपको याद रहनी चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं गेहूं की संकर किस्म कौन सी है, तो दैट इज द हाइप्रेक्स 007 जो जापान से निकली हुई है, जो इसकी एक हाइब्रिड वैरायटी मानी गई है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो भारत के अंदर 12% क्षेत्र में जो दूसरे नंबर पर जो गेहूं उगाया जाता है जिसका नाम है टिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी लाल मालन या काठिया गेहूं भी कहते हैं। टिटिकम ड्यूरम इज अ मैक्रोनी रेड और मालन वीट, उसकी वेराइटियां कौन कौन सी? तो इसमें आता है राज 1911, जयराज, मालवराज और मैकदूत, ये आपको ध्यान होनी चाहिए जो इसकी ड्यूरम की वैरायटियों के रूप में जानी जाती है। इसके बाद इसकी एक वैरायटी है मालविका। मालविका की विशेषता क्या होती है? इसमें 16% प्रोटीन होती है, जबकि नॉर्मल अपन वीट की बात करें तो उसमें अराउंड 10% के आसपास प्रोटीन होती है, लेकिन मालविका जो ड्यूरम की एक वैरायटी है जिसमें 16% प्रोटीन पाई जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि हरित क्रांति के अंदर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी वैरायटियों का सबसे ज्यादा रोल रहा था इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर 3 ऐसी वैरायटियां हैं वीट की जिनका ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा योगदान रहा है, जिसके अंदर अपन बात करें। नंबर फर्स्ट वन इज द लर्मा रोजा 64A, देन सोनारो 64, दो वेराइटियां ये है, और तीसरी है आपकी SD2329 जिसे अपन जनक के नाम से जानते हैं। तो ये 3 वेराइटियां ऐसी है जो इंडिया के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1965-66 के आसपास अपन मानते हैं, उस एरा के दौरान इन वेराइटियों का काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर हुआ था, और इन्हीं की देन है कि इंडिया के अंदर जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे आता है अदर वेराइटीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो राज 1420 एंड युगांडा 99 और राज 1020 है, रेजिस्टेंस होती है युगांडा 99 रस्ट के प्रति, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन सबसे अच्छी चपाती या बेस्ट चपाती मेकिंग जो है किस वेराइटी की है, तो देट इज WH147 एंड राज 3077 की जो है बेस्ट चपाती बनती है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं वीड्स,
इंपॉर्टेंट वीड्स कौन कौन से इसके अंदर ग्रो होते हैं, तो आपको पता हो तो गेहूं के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वीड माना गया है, जो आपके सामने यहां पे बता रखा है, वो है आपका गेहूं सा, जिसे हिंदी में गेहूं का मामा, गुली डंडा, नकलची खरपतवार इत्यादि नामों से जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे अपन सिर्फ कहते हैं कैनेरी ग्रास। क्या कहते हैं? कैनेरी ग्रास। काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मिमिकरी, मिमिकरी इट मीन्स द ये कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर होता है, किसके? वीट के सिमिलर होता है, मोनोकोट होता है। इसके साथ आप जानते हो कि वीट की जो लीव्स होती है वो नेरो होती है, तो यहाँ पे इस खरपतवार की जो लीव्स होगी, वीट की जो लीव होगी वो भी नेरो होगी। और साइंटिफिकली इसका बोटनिकल नेम फैलेरिस माइनर, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि वीट का मिमिकरी वीट कौन सा माना गया है, दैट इज द फैलेरिस माइनर और यू कैन से द कैनेरी ग्रास। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक और ये होता है कि इसका जो सीड होता है उसका जो वेट होता है बहुत ही कम होता है, उसका जो टेस्ट वेट माना गया है फैलेरिस माइनर का 2 ग्राम माना गया है, जबकि नॉर्मली वीट का जो टेस्ट ग्राम वेस्ट होता है वो आपका 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में अगर गेहूं के केस में अगर अपन वीड्स की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वीड्स आता है इसमें फैलेरिस माइनर या कैनेरी ग्रास आता है, जो नैरो लीफ वीड है जिसका टेस्ट वेट जो होता है 2 ग्राम होता है, और जबकि वीड का जो होता है वो 40 ग्राम होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन वीड जो इसके अंदर आता है दैट इज द एब्सोल्यूट वीड या पूर्ण निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं, दैट इज द चिनोपोडियम एल्बम, जो बथुआ के नाम से जाना जाता है, जो भी आपके वीट की क्रॉप के अंदर काफी ज्यादा इन्फेस्टेशन इसका देखने को आपको मिल सकता है। देन ऑब्जेक्टिवनेबल या आपत्तिजनक खरपतवार के रूप में इसमें जो जाना जाता है वो है आपका हिरण खुरी। कौन सा है? हिरण खुरी। हिरण खुरी जो आप देखते हो एक बेल के नुमा होता है, ये जो वीड आपको बताया हुआ है ये हिरण खुरी ही है, जो वीड के अंदर जो है ऑब्जेक्टिवनेबल वीड है, जो हमेशा वीड की क्रॉप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक और वीड इसके अंदर आता है जिसका नाम आपने सुना होगा कृष्ण नील एनागेलिस अरवेंसिस। ये भी जो होता है एक वीड है जो गेहूं की फसल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्रकार के वीड आपको बताए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैनेरी ग्रास या फैलेरिस माइनर है, उसके बाद जो है इसके अंदर चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ, देन द हिरण खुरी कॉनवनवुलस अरवेंसिस, देन लास्ट वन इज द कृष्ण नील एनागेलिस अरवेंसिस। ये सारी वीड की फसल के अंदर, गेहूं की फसल के अंदर उगते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान जो है गेहूं की फसल को पहुंचाते हैं। अब इन वीड्स को अपन मैनेज कैसे करें, कौन कौन से हर्बिसाइड इसमें काम में लेते हैं, तो इसमें फॉर द चौड़ी पत्ती के लिए, ब्रॉड लीफ वीड के लिए कौन कौन सा हर्बिसाइड इसमें काम में लिया जाता है, तो नॉर्मली ब्रॉड लीफ के लिए जो अपन काम में लेते हैं 2,4-D लेते हैं। वैसे 2,4-D के 3 प्रकार के फॉर्मुलेशन है, जिसमें एस्टर है, एमाइन है और सोडियम साल्ट है, जिनकी डोज अलग अलग है। एस्टर की 500 ग्राम है, एमाइन की 750 ग्राम है और सोल्ट की 1 किलोग्राम है। लेकिन आपको यहां पर याद रखना है कि 2,4-D नाम का जो खरपतवार नाशी, इसकी 750 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा जो है गेहूं के अंदर काम में प्रति हेक्टेयर ली जाती है, बेसिक अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने तो। और ये कब यूज करते हैं? बुवाई के 30 से 35 दिन बाद यूज करते हैं सारे के सारे। तो ये किस प्रकार का हर्बिसाइड हुआ? ये इज अ POE, पोस्ट इमरजेंस, अर्थात जर्मिनेशन के बाद काम में लिया जाता है। तो आपने को ध्यान होना चाहिए ये आपका 2,4-D जो है POE के रूप में ब्रॉड लीफ वीड के नियंत्रण के लिए गेहूं में काम में लेते हैं। इसके अलावा मेड सल्फ्यूरोन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मेड सल्फ्यूरोन, जो चौड़ी पत्ती के लिए इसकी मात्रा एग्जाम में पूछा जाती है 4 ग्राम पर हेक्टेयर, ये भी 30 से 35 दिन बाद, अर्थात ये भी आपका POE है। तो कहने का अर्थ है ब्रॉड लीफ वीड के केस में, गेहूं के केस में दो आपको ध्यान रखने, नंबर फर्स्ट वन 2,4-D का नाम, नंबर सेकंड मेड सल्फ्यूरोन का नाम है, इसकी डोज आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज अ ट्राई सल्फ्यूरोन और कारफेंट्रोजोन, जिसकी मात्रा 20 ग्राम पर हेक्टर ली जाती है और ये भी आपका POE के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन आपको दो नाम अवश्य पता होना चाहिए, 2,4-D एंड मेड सल्फ्यूरोन। 2,4-D 750 ग्राम से 1 किलोग्राम और मेड सल्फ्यूरोन जो है आपका 4 ग्राम पर हेक्टर काम में लेते हैं, एज अ POE के रूप में काम में लिया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए नेरो लीफ वीड, और नेरो लीफ वीड ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है किसको? कैनेरी ग्रास को। कैनेरी ग्रास अर्थात फैलेरिस माइनर को इंडिकेट कर रहा है, और फैलेरिस माइनर के लिए जो आपको इसमें काम में लेना है दैट इज द आइसोप्रोटीरोन, जो पहले काम में लिया जाता था लेकिन अभी वर्तमान में काम में नहीं ले रहे हैं, इसकी 750 ग्राम मात्रा पर हेक्टर काम में ली जाती थी 30 से 35 दिन बाद, अर्थात ये भी एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में जाना जाता है।
आप काम में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हिसार के अंदर इसके आर के मलिक द्वारा यह देखा गया है कि फेलेरिस माइनर में इसके प्रति जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, इसलिए इसको वर्तमान में काम में नहीं ले रहे। प्रेजेंट टाइम में जो काम में ले रहे वह ले रहे सल्फो सल्फ्यूरोन, इसकी मात्रा भी आपको ध्यान रखनी है 25 से 30 ग्राम। जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कैनेरी घास के लिए प्रेजेंट कंडीशन में कौन सा काम में लिया जा रहा है, सल्फो सल्फ्यूरोन जिसकी 25 से 30 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती है। यहां पे दो हर्बिसाइड ध्यान रखने, आइसोप्रोटीरोन एंड सल्फो सल्फ्यूरोन, जो कैनेरी ग्रास अर्थात फेलेरिस माइनर के लिए काम में लिए जाते हैं। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया, तो ये डोनाल्ड ने दिया। किसने दिया? डोनाल्ड ने दिया। हार्वेस्ट इंडेक्स को शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं HIH4 हार्वेस्ट I4 इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज द इकोनॉमिक यील्ड, आर्थिक उपज डिवाइडेड बाई बायोलॉजिकल यील्ड, इट मीन्स द जैविक उपज इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी जो क्रॉप होती है उस केस में उसकी जो आर्थिक यील्ड जो मानी गई है वह उसका ग्रेन होता है, उसका दाना जो होता है उसकी आर्थिक उपज होती है, जबकि जैविक उपज के अंदर उसका ग्रेन यानी दाना भी आएगा और उसका स्ट्रॉ अर्थात भूसा भी आएगा। तो यानी आपका HI का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 होता है, अर्थात दाना अपॉन दाना प्लस भूसा इनटू 100 होता है। तो ये आपको बताना चाहिए गेहूं का जो HI माना गया है वो 40-45%, जो आपको बताना चाहिए 40-45% माना गया है। देन इसमें ग्रेन स्ट्रो रेशियो, जो नॉर्मली अपन मैक्सिकन गेहूं बो रहे हैं उसका ग्रेन स्ट्रो रेशियो 1:1.5, ये भी आपको पता होना चाहिए, जबकि आपका जो नॉर्मल वीट होता है उसमें ग्रेन स्ट्रो रेशियो 1:2 होता है। ये आपको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है इसका HI इंडेक्स कितना है अराउंड 40% एंड इसका ग्रेन स्ट्रो रेशियो कितना है 1:1.5। 1 इज अ ग्रेन एंड 1.5 इज एन स्ट्रो रेशियो होता है इस केस में, गेहूं के केस में, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द यील्ड पोटेंशियल कितना होता है, तो नॉर्मली यील्ड पोटेंशियल 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए 40-50 क्विंटल आपको पता होना चाहिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वीट की कोई वेरायटी जो 50 क्विंटल जो है यील्ड पोटेंशियल देती तो उसमें NPK कितना चाहिए, तो वही आपका रेशियो 120-60-40 आपको याद रखना है। अनइरिगेटेड केस में यील्ड कम होती है 20 से 25 क्विंटल के आसपास होती है, लेकिन आपको यहाँ पे इरिगेटेड वाली ध्यान रखनी है 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड पोटेंशियल होती है। देन नेक्स्ट वन टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द वीट ग्रेन बाय द पर्लिंग इंडेक्स। पर्लिंग इंडेक्स का क्या यूज है वीट के अंदर, तो ग्रेन की हार्डनेस को मापने के लिए काम में लिया जाता है। देन द ड्वार्फिंग जीन, ड्वार्फिंग जीन की बात करें तो वीट के केस में ड्वार्फिंग जीन जो है वह आपका Norin-10 जो नॉर्मनी बर्लोग ने एंड RST1 and 2 जो इंडिया के अंदर काम में लिए गए हैं ड्वार्फिंग जीन माने गए हैं गेहूं के केस में, जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पूछ ले भाई ड्वार्फिंग एजेंट कौन सा काम में लिया गया है, लिया जा सकता है दैट इज द साइकोसेल। साइकोसेल इज एन ड्वार्फिंग एजेंट इन अ वीट। देन वीट एंड मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग जो है इज 9:1 के रेशियो में की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई कई जगह जो है इंटरक्रॉपिंग करते हैं, उसके इसमें वीट की जो है 9 कतारें जबकि मस्टर्ड की जो है 1 रो या 1 कतार लगाई जाती है। देन थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स ये आपका जो वीट का जो पूरा पोर्शन है, गेहूं का पूरा पोर्शन है जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज को छोड़ के जो आप पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के अंदर आप देख लोगे, लेकिन उसके अलावा जो पूरा वीट का पोर्शन जो है अपन इस क्लास में कवर कर चुके हैं। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।